नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो नमो लोये सवसाहुणां एसो पंच नमोकार सवपावपणासनो मंगलानं च सविसिं परमं हवै मंगलं अरहंतो भगवन्त इन्द्रमहितां सिद्धाश्च सिद्धिस्थितां आचार्याजिन शासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचे परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलं नमो दुर्वाररागादीन् वैरिवारनिवारिने अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिंदुसाय उक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरंधानां ज्ञानं जनिशलाकयां नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारं इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहं विराज ओंकारा
आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारं इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम् नीरन्द्रे भवकानने परिगल पञ्चाश्रवाम्बोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दुरे भ्रांता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तुवः रम्या गिरः पान्तुवः परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, चाहे हम कितना भी कह लें, चाहे हम कितना भी सुन लें, लेकिन जिन वस्तुओं के साथ में हमारा मन जुड़ा है, जिनके साथ में हमारा स्नेह जुड़ा है, जिनके साथ में हमारा अपनापन जुड़ा है, लाख कोशिश करने के बाद में भी वह अपनापन और राग जाता नहीं है। पता है, जानते हैं, बार बार गुरु मुख से सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना शरीर के ऊपर हमारा कोई राग कम हुआ है, ना स्नेहियों के ऊपर में कोई स्नेह कम हुआ है, ना सांसारिक पदार्थों के प्रति कोई मोह कम हुआ है। जैसे थे वैसे के वैसे ही हमारा मन आज की तारीख में भी उसी राग दशा में, उसी द्वेष की परिणति में भटक रहा है, और अपने मन को जब तक हम स्वयं समझाएंगे नहीं, स्वयं के मन से जब हम बात नहीं करेंगे, सुने हुए जिन वचनों का बार बार चिंतन नहीं करेंगे, उसकी अनुप्रेक्षा नहीं करेंगे, उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, आपस में बैठकर के उसकी चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा मन ये बाहर ही रहेगा, कभी भी भीतर आत्मा की ओर नहीं मुड़ेगा, क्योंकि हमारे यह संस्कार आज के नहीं हैं। सांसारिक वस्तुओं के साथ में, सांसारिक पदार्थों के साथ में, सांसारिक संबंधों के साथ में हमारे जो मन के भाव हैं, ये आज के नहीं हैं, ये अनादि काल के हैं। ये संस्कार आत्मा के अंदर में अनादि काल से जमे हुए हैं, और जब तक ये हमारे राग और द्वेष के संस्कार पड़े रहेंगे, तब तक आत्मा के साथ में हमारा जुड़ाव मुश्किल है।
और ये भी बात पक्की है कि जिसके साथ में आपने जितना गहरा मोह डाल लिया, जिसको आपने अपना मान लिया, वह एक जन्म नहीं कई जन्मों तक फिर वो परंपरा को निभाना पड़ता है, कई जन्मों तक फिर उसका साथ मिलेगा, चाहे वो मित्र के रूप में मिले, चाहे शत्रु के रूप में मिले, चाहे स्नेही के रूप में मिले, चाहे पराये व्यक्ति के रूप में मिले, लेकिन जिस जिसके साथ में अपने अपनेपन को जोड़ा है, अपने मन को जोड़ा है, निश्चित समझ लेना कि कई जन्मों तक आप और वह मिलते रहेंगे। और जब तक आप उनसे मिलते रहेंगे तब तक आप अपने से नहीं मिल पाएंगे। जब तक दूसरों में ही हमारा मन जाएगा तब तक स्वयं में हमारा मन लौट के नहीं आएगा। हमारा संसार बाहर है, हमारी दृष्टि बाहर है, हमारी सोच बाहर है, हमारे विचार बाहर हैं, हमारी चिंता बाहर की है, सब कुछ दूसरों के लिए। दूसरों की चिंता, दूसरों के विचार, दूसरों की सोच, और दूसरों की सोच इसलिए कि दूसरे को अपना माना है, और जिसको अपना माना है फिर जब उसका वियोग होता है उतना ही ज्यादा दुख होता है, कारण कि ये मोह और अज्ञान यही दुख का कारण है। मोह कितना गहरा होता है, श्री राम के जीवन का एक प्रसंग आता है कि जिस समय लक्ष्मण का निधन हुआ और दोनों भाइयों का इतना गहरा प्रेम, वैसे तो चारों ही भाइयों का गहरा प्रेम था, भ्रातृ प्रेम का इससे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शायद ही कहीं मिलता हो। और जैसे ही लक्ष्मण का निधन हुआ, और कहते हैं कि जैसे ही प्रभु राम को पता चला कि लक्ष्मण का निधन हो गया है, उस समय श्री राम की स्थिति एक बच्चे के जैसे, इतना क्रंदन करने लगे, चीख पुकार करने लगे, चित्कार करने लगे, विलाप करने लगे, कारण मोह। लक्ष्मण के साथ में जो उनका मोह था वो उनके लिए विलाप का कारण बन गया। वो मान ही नहीं रहे थे कि लक्ष्मण मर गया है, वो इस बात को जरा सा भी मानने को तैयार नहीं थे, मेरा भाई मर सकता है, हो ही नहीं सकता। और इसी कारण से लक्ष्मण की मृत्यु के बाद में भी श्री राम ने लक्ष्मण की मृत देह को जलाने नहीं दिया, उसका संस्कार नहीं करने दिया, और उसकी मृत देह को अपने कंधे पर उठा करके 6-6 महीने तक घूमते रहे, 6-6 महीने तक। कितना गहरा उनका ये मोह का संस्कार होगा, राग का संस्कार होगा, कि जिस कारण से अपने मरे हुए भाई को 6-6 महीने तक कंधे पर लेकर के वो घूमते रहे, मेरा भाई नहीं मरा, ये मूर्छित हुआ है, बीमार हुआ है, ये ठीक हो जाएगा, कोई वैद्य लाओ, कोई डॉक्टर लाओ, कोई इसका इलाज करो, मेरा भाई मरा नहीं है। और इस कारण से वो 6 महीने तक उसकी मृत देह को लेकर के घूमते रहे, ये मोह। और वही श्री राम जिनका सीता के प्रति इतना राग था, जिस समय सीता का अपहरण हुआ तो श्री राम की स्थिति कैसी हुई? आपने भी रामायण देखी है, राम की स्थिति कितना वो विलाप करते हैं, जंगलों के अंदर में रोते हैं, अरे वृक्षों से पूछते हैं, अरे पंछियों से पूछते हैं, अरे सरोवरों से पूछते हैं, अरे पत्ते पत्ते से पूछते हैं, अरे फूल फूल कली से पूछते हैं, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा, सीता कहाँ है? सीता के साथ में उनका कैसा स्नेह होगा, सीता के बिना व्याकुल हो गए, ऐसा भयंकर विलाप किया श्री राम ने
सीता के पीछे पागल जैसे हो गए। और ऐसे श्री राम की स्थिति, और श्री राम सीता के वियोग में अब उनका मन कहीं नहीं लगता। उनका मन किस में रहता? सीता में। 24 घंटे ध्यान किसका? सीता का। सीता कहां होगी, कौन ले गया, कैसे उसको वापस लाऊंगा, कैसे उससे मिलन होगा, कैसे सीता मिलेगी। 24 घंटे सीता 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 सीता। और जिस राम के मन में सीता के प्रति इतना गहरा स्नेह था, इतना गहरा राग था, अपने भाई के प्रति इतना स्नेह था, इतना राग था, कि श्री राम को भी अपने जीवन के अंदर में विलाप करना पड़ा, व्याकुल होना पड़ा। लेकिन उन्होंने किस तरह से बाद में इसके ऊपर में विजय को प्राप्त किया? जैन रामायण के अनुसार सीता ने दीक्षा को अंगीकार किया, वह साध्वी बनी। साध्वी बनने के बाद उसने संयम की उत्कृष्ट साधना करी और चारित्र धर्म के प्रभाव से, संयम के प्रभाव से, दीक्षा पालन के प्रभाव से वह सीता का जीव 12वें देवलोक के अंदर में पैदा हुआ। अच्युतेंद्र के रूप में सीता का जीव 12वें देवलोक के अंदर में पैदा हुआ। सीता के देवलोक चले जाने के बाद श्री राम वह भी संयम को स्वीकार करते हैं, दीक्षा को अंगीकार करते हैं, वह भी साधु जीवन को स्वीकार करते हैं, सभी राजमहलों का, राज परिवार का, सभी स्नेही संबंधों को छोड़ करके अब आत्मरमण करने लगते हैं, परमात्मा स्मरण में डूब जाते हैं। और इस तरह से साधु जीवन का पालन करते करते, विचरण करते 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 एक बार श्री राम कोटिक शिला के पास में साधना के लिए पधारे। वहां ध्यानस्थ खड़े हैं और इधर से पूर्व भव की उनकी पत्नी सीता, वे देवलोक के अंदर में रह करके अपने पूर्व भव को देखती है। और जब मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो श्री राम की पत्नी हूं और मेरे पति इस समय साधु के रूप में जंगल के अंदर में साधना कर रहे हैं, क्यों ना जाकर के पुनः उनके समक्ष उपस्थित होकर के और उनको पुनः स्वीकार करने के लिए मैं प्रार्थना करूं। और सीता का जीव अपने रूप को बदल करके, पुनः सीता का रूप धारण करके धरती पर आता है और मुनि श्री राम के सामने वो उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि अरे जिस तरह से मेरा आपके साथ में पहले स्नेह था, वही स्नेह आज है, आप मुझे स्वीकार करो। और उस समय श्री राम मुनि साधना में थे, अब उनके मन में पूर्व जीवन का कोई भी राग नहीं, स्नेह नहीं, अपनापन नहीं। उस समय श्री राम पूर्णतया विरक्त हो चुके थे, अब संसार के संबंधों से ऊपर उठ चुके थे। जिनके दिल के अंदर में सीता के प्रति इतना गहरा राग था कि उसके बिना एक पल भी जी नहीं सकते थे, वही श्री राम अब पूर्ण अनासक्त हो चुके थे, विरक्त हो चुके थे। सामने सीता का जीव खड़ा है लेकिन श्री राम ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और जब सीता ने देखा कि अब तो ये अपनी आत्मा में एकलीन हो गए हैं, अब ये बाहर के सारे संबंध, सभी प्रकार का राग अब इनके हृदय में से निकल चुका है, अब तो ये वितरागता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और उस समय जब सीता ने देखा कि अब मेरी दाल यहां नहीं गलेगी, अब ये पूर्व जन्म के जो, पूर्व जीवन के हमारे जो संस्कार थे, अब इन्होंने उसको नष्ट कर दिया है, राग को जीत लिया है, द्वेष को जीत लिया है और अब ये वितरागता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो सीता के जीव को पुनः वापिस देवलोक जाना पड़ा। और श्री राम ने अपनी साधना के बल पर, विरक्ति के बल पर,
और वितराग अवस्था को प्राप्त करके शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर से उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। एक समय कैसा था और एक समय कैसा आया। जब तक बाहर जुड़े थे तब तक विलाप चल रहा था, तब तक दुख चल रहा था, तब तक अशांति चल रही थी, तब तक व्याकुल बने हुए थे, और जैसे ही बाहर से निकल करके भीतर मुड़े तो परम वितराग अवस्था को पा गए, परम सुख की अवस्था को पा गए। जब उन जैसे उच्च कोटि के ऐसे जीवों की यह स्थिति हो सकती है तो हमारी तो क्या दुर्दशा होगी। हमारा राग कितना, हमारा द्वेष कितना, हमारा मोह कितना, और इतने गहरे संस्कार निश्चित ये कई जन्मों तक चलेंगे, ये जन्मों जन्म की परंपरा को खड़ा करेंगे। इससे हमारा जन्म मरण रुकेगा नहीं, मिटेगा नहीं, अपितु इससे हमारा जन्म मरण अनंत गुना बढ़ेगा। अनंत जन्मों तक हमें वापस मिलना पड़ेगा, अनंत जन्मों तक हमें वापस संसार में आना पड़ेगा। ये राग के, द्वेष के, मोह के संस्कार हमें मुक्त नहीं होने देंगे। बार बार वही बात कहता हूं कि गौतम स्वामी जैसा प्रशस्त राग भी उनको मोक्ष में नहीं जाने दिया। उनका राग तो महावीर के साथ था, हमारा राग तो संसार के साथ है। जब महावीर के साथ में रहा हुआ राग भी केवल ज्ञान में बाधक हो सकता है, हमारा और आपका राग तो बड़ा अप्रशस्त राग है। हमारा ये राग तो संसार बढ़ाने वाला बनेगा, अनंत जन्म मरण तक ले जाने वाला बनेगा। इसलिए संसार में जहां जहां अपनापन किया हुआ है, जहां जहां मेरापन किया हुआ है, जिन जिन के साथ में मोह को जोड़ा हुआ है, अब थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा अपने शरीर को देखो, बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा हुआ, बुढ़ापे में कैसा हुआ। ये शरीर छूट जाएगा, ये देह छूट जाएगी। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर बाकी के संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं। कौन मेरा पति, कौन मेरी पत्नी, कौन मेरा पुत्र, कौन मेरा भाई, कौन मेरे स्वजन, कोई भी तो मेरा नहीं। जब शरीर मेरा नहीं है तो ये कहां से मेरे हो गए। क्यों मैंने इनको अपना माना है, क्यों इनके लिए मैं अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर रहा, क्यों मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। ये समय, ये आयुष्य, ये सामग्री, ये वापिस नहीं मिलेगी। ये सांसारिक चकाचौंध के अंदर में मैं सारी जिंदगी खराब कर रहा हूं, दूसरों के चक्कर में अपना हित कर रहा हूं, दूसरों की चिंता में, दूसरों की सोच में मैं अपनी आत्मा को दगा दे रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, और इसकी भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी। दूसरा तो कोई भरपाई नहीं करेगा, वो तो चला जाएगा। जगत में हमारा मिलना कैसा है, क्षणिक है, क्षणिक। कोई लंबा चौड़ा हमारा मिलना नहीं है, ये हवा निकली, ये गए, एक सेकंड लगेगा इस शरीर में से आत्मा को जाने में, फिर कौन अपना, कौन अपना। एक सेकंड के अंदर में सारे संबंध टूट जाएंगे, सारे रिश्ते टूट जाएंगे। एक सेकंड के अंदर में शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, और उस भस्म को भी घर में नहीं आने दिया जाएगा, बाहर रखो भैया इसको। कोई लाता है फूलों को घर में, मेन गेट से बाहर, घर में लाओ ही मत, शमशान ही रख के आओ, और वहां से फिर सीधा गाड़ी में बिठा करके चलो भैया आओ हरिद्वार घुमा के लाए, और फिर ठंडी ठंडी गंगा के अंदर में जाओ भैया आप गोते लगाओ। ये हमारी जीवन की वास्तविकता है। एक मुट्ठी भर राख से ज्यादा हमारी कीमत नहीं है। क्या सपने संजो करके बैठे हैं, किनके लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्यों अपने जीवन के इन पलों को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। ये समय, ये अवसर, ये जीवन, ये आयुष्य के क्षण वापिस नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, फिर वहीं वहीं जाएगा। मक्खी का स्वभाव है उसको घाव पर ही बैठना है, जख्म पर ही बैठना है, उसको खून ही चूसना है। वो गटर पर बैठेगी, गंदगी पर बैठेगी, वो खून पर बैठेगी, विष्ठा पर बैठेगी। मक्खी का स्वभाव, हमारा मन भी मक्खी के जैसा, लाख उसको बुला के लाओ, हम थोड़ा सा अपनी ओर लेके आते हैं लेकिन पल लगता है फिर संसार में पहुंच जाता है। और ये भी बात पक्की है कि संसार के अंदर में जितनी उठापटक है,
जितना शोर है, जितना क्लेश है, जितनी चिंता और संताप है, जब तक हम दो हैं तभी तक है। जिस दिन हम दो से एक हो गए उस दिन ये सारा रोग शोक सब दूर हो जाएगा। जहां द्वैत है उस द्वैत को मिटा करके अद्वैत हो जाना है, एक हो जाना है, एक स्वरूप में लीन हो जाना है। दो नहीं चाहिए, एक स्वरूप चाहिए। तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए। फिर कोहम और सोहम, मैं कौन हूं, सोहम जो प्रभु तू है वही मैं हूं, वो सोहम और सोहम की धुन लगनी चाहिए। मैं और कुछ भी नहीं हूं, मैं तो परमात्मा जैसा तू है वही मैं हूं और कुछ भी नहीं हूं मैं। एक की धुन, एकत्व की धुन। महर्षि नमी मिथिला के राजा थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और राजा का जीवन कैसा होता है, 500 तो जिनकी रानियां थी, यहां एक रानी को आपको संभालना मुश्किल, वो 500 को संभालता था। इतना बड़ा परिवार, राज परिवार, राज वैभव, इतने सुख विलास के भौतिक साधन, उसके बीच में वह नमी राजा अपने जीवन को पसार कर रहा है। लेकिन शरीर तो रोगों का घर है। राजा हो के मंत्री हो, साधु हो के गृहस्थ हो, तीर्थंकर हो के कोई भी जीव क्यों ना हो, जो शरीर का स्वभाव है, जो कर्म का स्वभाव है, वो तो किसी को नहीं छोड़ता। भगवान महावीर को भी केवल ज्ञान के बाद में उनको भी तो कष्ट आया कि नहीं आया। जब गौशालक ने उनके ऊपर तेजोलेशिया फेंकी तब भगवान महावीर को भी 6 महीने खून आया। तो उनको भी अपने कर्म उदय में आए। तीर्थंकर भी जब नहीं बच पाए तो फिर हम कहां से बचेंगे। राजा नमी, और एक दिन उनके शरीर में दाह रोग पैदा हो गया। शरीर में आग लगने लगी, शरीर गर्म होने लगा, अंदर से बलने लगा। और ये जो नमी राजर्षि की कथा है, ये कथा स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने अपने मुख से बताई है। ये किसी आचार्य की लिखी हुई नहीं है, किसी साधु की लिखी हुई नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में जो अंतिम देशना दी, उस अंतिम देशना को उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में संकलित किया गया है। और नमी राजर्षि का कथानक उस उत्तराध्ययन सूत्र में, आगम ग्रंथ में है। और ये कथानक स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने अपने श्रीमुख से फरमाया है। दाह रोग पैदा हो गया और वो जलन इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि सहन नहीं हो रही। भले राजा थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स बुलाए, वैद्य बुलाए, राज वैद्य बुलाए, तरह तरह का उपचार किया, लेकिन शांति नहीं मिली। शरीर में आग लगी हुई है, सहन नहीं हो रहा। अपने देश के वैद्य काम नहीं आए तो दूसरे देशों से बड़े बड़े वैद्य बुलाए, वो भी फेल हो गए। किसी का उपचार काम नहीं लगा। ऐसी स्थिति में एक वैद्य आए और उन्होंने कहा कि इनका शरीर इतना गर्म हो चुका है, इतना जल रहा है, इनके शरीर को शांति और शीतलता देने के लिए यदि चंदन को घिस करके इनके पूरे शरीर के ऊपर में चंदन का लेप किया जाए तो चंदन में ऐसा गुण होता है कि चंदन शीतलता देता है, चंदन ठंडक देता है, तो इनके तन के ऊपर यदि चंदन का विलेपन किया जाए तो इनको हो सकता है कि शांति और शीतलता की प्राप्ति हो। उसी समय ऑर्डर दिया गया कि महाराजा के लिए चंदन घिसा जाए।
जैसे ही ऑर्डर दिया इतने नौकर चाकर सेवक कोई भी चंदन घिस सकता था, लेकिन उनकी रानियों ने कहा कि हमें अपने पति को स्वस्थ करना है, अपने पति के लिए हमें चंदन घिसना है, तो कोई सेवक नौकर नहीं, हम घिसेंगे। और सारी उनकी जो पत्नियां थी वो उनके कक्ष के बाहर चंदन घिसना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे उनकी रानियों ने चंदन घिसना प्रारंभ कर दिया तो चंदन घिसने की आवाज जोर जोर से शोर होने लगा। एक तो राजा अपने रोग से पीड़ित थे और दूसरा शोर इतना, कोलाहल इतना, चंदन घिसने का इतनी आवाज, राजा को और तड़प लगी, और बेचैनी हुई। उसने कहा ये क्या चल रहा है, इतना शोर करके रखा है, मुझे सहन नहीं हो रहा, ये काहे की आवाज आ रही है। और जब उनको बताया गया कि महाराज आपके इलाज के लिए, आपके शरीर के ऊपर में लेप करने के लिए ये चंदन घिसा जा रहा है और स्वयं आपकी रानियां मिलकर के ये चंदन घिस रही हैं, और उस समय आपकी रानियों के हाथों में जो कंगन पहने हुए हैं वो इतने इतने सारे कंगन पहने हैं कि जब वो चंदन घिसती हैं तो कंगन आपस के अंदर में बसते हैं और उनकी आवाज आती है, तो कोई बात नहीं, यदि आपको शोर आवाज बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं, बेचैन कर रही है, तो इसको बंद करा देते हैं। थोड़ी देर के बाद में आवाज आनी बंद हो गई। राजा ने कहा कि अरे अरे मेरे इलाज के लिए ये चंदन घिसा जा रहा था, और यदि आपने चंदन घिसना बंद करवा दिया है तो फिर मेरा लेप कैसे होगा, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मेरा रोग कैसे दूर होगा, क्या ये चंदन घिसना बंद हो गया? उन्होंने कहा नहीं महाराज, चंदन तो घिसा जा रहा है, चंदन घिसा जा रहा है, तो जो पहले इतनी आवाज आ रही थी अब वो आवाज आनी कैसे बंद हो गई? महाराज आपकी रानियों ने हाथों के अंदर में जो कंगन पहने हुए थे उन कंगन को आपस में टकराने से आवाज आ रही थी और आपको वो आवाज कर्कश लग रही थी, इस कारण से अब रानियों ने अपने हाथों से केवल एक सुहाग का एक एक कंगन रखा है और बाकी के सब कंगन निकाल दिए हैं, केवल एक कंगन रहने से अब वो शोर नहीं कर रहा, आवाज नहीं कर रहा, लेकिन चंदन तो घिसा जा रहा है। जैसे ही नमी महाराज ने इस बात को सुना कि ज्यादा कंगन थे तो आवाज होती थी और एक कंगन रहा तो आवाज नहीं हो रही, इसका अर्थ यह है कि जब तक दो होते हैं वहां पर आवाज होती है, जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर टकराहट होती है, वहां पर क्लेश होता है, वहां पर शोर होता है, और जब एक होते हैं वहां पर टकराहट और आवाज नहीं रहती है। इसलिए सुख किस में है? एक होने में है। एक कौन? मैं, मेरा आत्मा। क्यों ना मैं अपनी आत्मा में एक हो जाऊं, क्यों ना मैं अपने स्वयं में लीन हो जाऊं। जब तक मैं शरीर से जुड़ा हूं इसी कारण से तो मैं बेचैन बना हूं, ये शरीर के रोग को मैंने अपना रोग माना है, ये शरीर की पीड़ा को मैंने अपनी पीड़ा मान लिया है, जबकि ये ना शरीर मेरा है, ना रोग मेरा है, ना पीड़ा मेरी है, ये तो कर्म से आई है, कर्म से चली जाएगी, मैं तो इससे भिन्न हूं। जब तक मैं शरीर से जुड़ा हूं, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं और दोनों को मैंने एक कर दिया है, इसीलिए सारा का सारा क्लेश है, ये सारा का संताप है। और उसी समय नमी राजऋषि ने इतनी सी घटना के ऊपर में इतना गहरा चिंतन किया कि जहां दो हैं वहां पर शोर है और जहां पर एक है वहां पर शांति है, अब मुझे एक में स्थित हो जाना है, अपने में स्थित हो जाना है। और वहीं पर उन्होंने विचार किया कि यदि अपनी आत्मा में स्थित होते ही अगर मेरा रोग शांत हो गया तो सुबह ही मैं दीक्षा को अंगीकार कर लूंगा। और इस शुभ भावों से भर करके वह आंखें बंद की, और शुभ भावों में कितनी ताकत है, शुभ भावों में कितनी शक्ति है कि नमी राजा के मन में जैसे ही शुभ भावना जगी कि यदि ये मेरा रोग ठीक हो गया तो मैं सुबह दीक्षा को स्वीकार कर लूंगा, और रात्रि भर के अंदर में उनको नींद आ गई और उसके बाद सुबह उठे तो उनका रोग दूर हो चुका था।
दहा रोग शमित हो चुका था, सारा ज्वर उतर चुका था, वह स्वस्थ हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने अपने संकल्प के अनुसार अगले दिन सुबह अपनी 500 पत्नियों का त्याग करके, अपने राज वैभव का त्याग करके, संसार के सभी सुखों का त्याग करके, जिस जिसको अपना माना था वो सारे अपने माने हुए संबंधों का त्याग करके, और नमी राजऋषि वो राजा वह जंगल में चले गए और जाकर के उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया, संयम को स्वीकार किया। जहां दो बर्तन होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में खड़कते हैं, कहते दो बर्तन होते हैं जरूर खड़कते हैं। अब बर्तन ही एक रह गया, किससे खड़केगा? तो नमी राजऋषि वो दो में से निकल करके एक में स्थित हो गए, एकत्व भावना में लीन हो गए, आत्म भावना में लीन हो गए, और नमी राजऋषि वो राजऋषि बन गए। राजऋषि किसे कहते हैं? जो पहले राजा हो और राजा होने के बाद में यदि दीक्षा ग्रहण करता है तो वो राजऋषि कहलाता है। नमी पहले राजा थे और राजा होने के बाद में उन्होंने दीक्षा ली, इसलिए वो राजऋषि कहलाए। ऐसी एकत्व भावना। और उसके बाद दीक्षा लेने के बाद में भी स्वयं इंद्र उनकी परीक्षा लेने आता है। भगवान महावीर ने इंद्र के और नमी राजऋषि के आपस में हुई जो वार्तालाप है उसका पूरा वर्णन उत्तराध्यन सूत्र में किया है। अलग अलग गाथाओं के अंदर में इंद्र ने जो प्रश्न पूछे हैं और नमी राजऋषि ने जो उत्तर दिए हैं, इंद्र को भी उन्होंने संतुष्ट कर दिया कि संयम जीवन क्या है, साधु जीवन क्या है, आत्मा में रमण करना, स्वयं के अंदर में स्थित होना, इसी का नाम साधु जीवन है। जब तक हम शरीर भाव में रहेंगे, देह भाव में रहेंगे, बाहर के भाव में रहेंगे, तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। आखिर आज नहीं तो कल हमें बाहर के भाव को छोड़ करके अपनी आत्मा में तो उतरना ही पड़ेगा। ये राग की परंपरा नेमिनाथ और राजुल कितने भव तक चली, इनकी परंपरा नौनों भव तक चली, नौनों भव तक इनका राग चला। कितना गहरा इनका राग होगा, नौ जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ा। हर जन्म के अंदर में दोनों आत्माओं का बार बार मिलन होता है और आखिर अंतिम भव के अंदर में नेमिनाथ परमात्मा को राजुल का त्याग करना ही पड़ा। और जैसे राजुल का त्याग किया उसके बाद में नेमिनाथ दादा ने जाकर के दीक्षा को स्वीकार किया और राजुल उनके शासन की पहली साध्वी बनी, तब जाकर के उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। और द्वेष के संस्कार में कमठ और मरुभूति, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में देखें तो वहां पर द्वेष की परंपरा चली आ रही है, और राजुल और नेमी कुमार की परंपरा को देखें तो राग की परंपरा चली आ रही है। कितने कितने जन्मों तक उनकी ये परंपरा चली, वो तो फिर नौ नौ दस दस जन्मों के अंदर में पूरी भी हो गई, अपना तो ठिकाना ही नहीं है। अपने तो ये कहते हैं कि भैया जैसे शादी होती है तो कहते अरे हम तो भाई तेरे साथ में सात जन्म तक तेरे साथ रहेंगे, जन्मों जन्म तक अपना नाता रहेगा, हम तो जन्मों जन्म आपस में मिलेंगे। और इतना गहरा प्यार और संबंध और कर्म बांध लेते हैं कि नहीं मिलने की इच्छा हो फिर भी मिलना पड़ता है। और इसीलिए जब कोई कहता है ना कि भाई तेरा और मेरा सात जन्म का नाता है, सात जन्म का, तो फिर पतिदेव माथे पे हाथ मार के कहते हैं भाग्यवान ये अपना सातवां ही जन्म है, बस कर, अब बहुत हो गया, यह सातवां जन्म हुआ पूरा, अभी मुझे दूसरे आगे जाने दे भी। तो ये राग के और द्वेष के, ये अपनेपन के और ये जो मोह के अज्ञान के संस्कार हैं, किसी के भी साथ क्यों ना हो, किसी के भी साथ क्यों ना हो, ये आपके संसार की परंपरा को निश्चित बढ़ाने वाले हैं, निश्चित आपका जन्म मरण बढ़ाने वाले हैं, निश्चित चतुर्गति संसार में भटकाने वाले हैं, चारों गतियों में आपको रखड़ाने वाले हैं, आपको रुलाने वाले हैं। कभी संयोग होगा, कभी वियोग होगा, और इन क्षणिक संयोग को हमने अपना मान लिया। इस क्षणिक संयोग के कारण से हम कितने विचलित हो जाते हैं, और यह संयोग निश्चित वियोग में बदलने ही वाला है।
ये जन्म निश्चित मरण में बदलने ही वाला है, ये शरीर निश्चित माटी में मिलने ही वाला है। अगर रहेगा तो केवल आत्मा रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। ये जगत के संयोग कैसे हैं, ये हमारे संबंध जो बने हैं आपस के अंदर, कोई अपने सिल्वर जुबली मनाता है, कोई गोल्डन जुबली मनाता है और कोई डायमंड जुबली मनाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, कितनी भी जुबलियां मना लो, कितने भी जुबले बना लो, 25 साल निभा लोगे, 50 साल निभा लोगे, 75 साल निभा लोगे, 100 साल निभा लोगे, आखिर फिर क्या, फिर कहां जाओगे, फिर वो कहां और हम कहां, आखिर फिर वो हमारे साथ में नहीं होने वाला, कौन कहां गया, ढूंढ के लाओगे, किसी का कोई अता पता नहीं। चक्री हरि पुरंदर राजे मद माते मन मोहे, चक्री यानी चक्रवर्ती, हरि यानी कि इंद्र देवता, पुरंदर राजे यानी बड़े बड़े महाराजा सेठ साहूकार, जिनके चलने से ये पृथ्वी हिलती थी, कांपती थी, जिनसे सारी दुनिया भयभीत होती थी, इतना रुतबा था, इतना वर्चस्व था। चक्री हरि पुरंदर राजे मद माते मन मोहे, ऐसे वो अहंकार से भरे हुए थे, सारी दुनिया के हम बेताज बादशाहें, सारी दुनिया के ऊपर हमारा राज और शासन चल रहा है, ऐसे वो बैठते थे, ऐसे वो चलते थे। लेकिन आत्माराम जी महाराज कहते हैं, चक्री हरि पुरंदर राजे मदमाते मन मोहे, कौन देश में मरी पहुंचे तीन की खबर न कोहे, कि मरने के बाद में वो किस देश में पैदा हुए हैं कोई खबर नहीं है, कोई नहीं जानता है। तो हमारी खबर कहां से आएगी, आप 25 साल मना लो के 100 साल मना लो, लेकिन आखिर तो एक दिन बिछुड़ना ही है, आखिर तो एक दिन जाना ही है, आखिर तो एक दिन वियोग होना ही है। इसलिए संयोग में सुख ना मनाएं और वियोग में दुख ना मनाएं। वो कब होगा, जब आप ये सोच लेंगे कि मैं सिर्फ मेरा आत्मा हूँ, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, और ये शरीर मेरा नहीं है तो फिर सारे संबंध मेरे नहीं हैं। जब शरीर मेरा नहीं सुनता तो दूसरे मेरे क्यों सुनेंगे, वो तो स्वतंत्र आत्मा है, उस आत्मा का स्वतंत्र अपना गुण है, वो आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, उसके ऊपर मेरा राज नहीं चल सकता। जब मेरे शरीर पे मेरा नहीं चलता तो दूसरे पे मेरा कैसे चलेगा, अरे किसी बच्चे पे भी मेरा नहीं चलता। अब बच्चे को लाख समझा लो, वो अपनी मन की करेगा, उसने जिद पकड़ ली सो पकड़ ली। जब आपका शरीर अपना नहीं तो आपका बच्चा आपका कहां से हो जाएगा, वो भी अपनी मन की करेगा, वो भी अपने दिल की करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है। लेकिन हमने अपनेपन के बंधनों में बांध रखा है, हम कहां से आए पता नहीं, कहां जाना पता नहीं, और बीच में मिले हैं कुछ क्षण के लिए मिले हैं। स्टेशन के ऊपर गाड़ी आई और सभी मुसाफिर उसमें बैठ गए, एक डिब्बे के अंदर कंपार्टमेंट के अंदर में आप अपने अपनी सीटों पे बैठ गए, आप बैठे हैं, आपके बाजू में दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसके बाद तीसरा व्यक्ति बैठा है, सामने की सीट में तीन चार व्यक्ति बैठे हैं, बाजू में अलग व्यक्ति बैठे हैं, और जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई और आपने आपस के अंदर में बोलचाल अपनी बातचीत शुरू कर दी, बातचीत शुरू करते करते और आप में इतना प्यार पड़ गया, इतना स्नेह पड़ गया कि दोपहर के 12 बजे आपने डब्बा खोला तो फिर भाई साहब आप भी ले लो थोड़ा, आप भी रोटी खा लो, तो आपका इतना प्यार पड़ गया कि उस अनजाने मुसाफिर को भी आप अपना भोजन खिलाने लगे, उसके साथ में 2-3 घंटे गपशप मारने लगे। और फिर क्या हुआ, जैसे ही स्टेशन आया और वे व्यक्ति उतर के चला गया, उसकी जगह दूसरे लोग आ गए,
उनका स्टेशन आया, वो लोग उतर गए, तीसरे लोग आ गए, गाड़ी चलती गई, स्टेशन आते गए, पुराने लोग उतरते गए, नए लोग मिलते गए, और हमारी ये जीवन की गाड़ी चलती गई। और एक दिन ऐसा आया कि हमारा भी स्टेशन आ गया और हम भी उतर गए। अब जो लोग गाड़ी में बैठे थे, जिनके साथ में अपने इतना प्रेम किया, इतना स्नेह किया, इतना उनके साथ में अपने भोजन शेयर किया, खाना पीना शेयर किया, जब वो स्टेशन से उतरे, आपको रोना आया? नहीं नहीं, रह जाओ इत्थे ही रह जाओ, ट्रेन च साढ़े नाल कित्थे चले हो, किन्ना अच्छा लग रहा सी, असी गल्ला मार दे, कोई गल नहीं, रह जाओ। कहंदे मैं तेरे लिए थोड़ी बैठा, मेरा स्टेशन आ गया, मैनू तो जान दे। ठीक है, मिलना था, संयोग हुआ था, दो चार बातें मारी, हो गया बात, तू तेरे घर में, हम अपने घर में, वहां पर वियोग का दुख होता है। संयोग हुआ, वियोग भी हुआ, जिसके स्टेशन आए उतर गए, तो मुसाफिर खाना है। हम आए हैं, हमारे आसपास में चार व्यक्ति और आए हैं, जब उनका स्टेशन आएगा वो उतर जाएंगे, हमारा स्टेशन आएगा हम उतर जाएंगे, कौन किसका। लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते, कितना कम छोटा सा संयोग है, छोटा सा जीवन है ये, 20 25 50 साल तो यूं चले गए। अब तो बिल्कुल सामने आमंत्रण आ रहा है, कार्ड आ रहा है नीचे, तैयारी, रेडी हो जाओ। हमारी तैयारी है क्या? वी आर रेडी, बिल्कुल तैयार, अपनी तैयारी रखो, कोई बात नहीं। ये तो चोला कपड़ा बदलना है, जैसे रोज कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर ही तो बदलना है, आत्मा तो वही रहनी है। ये कोई भी मेरा था ही नहीं, मैं क्यों इनको अपना मानूं? इनको छोड़ के जाना वो तो निश्चित जाना ही जाना है, ये अपने मन में दृढ़ कर लो, निश्चित मुझे जाना है। कल जाऊं के आज जाऊं, इस पल जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? हमारा संयोग कैसा, एक बहुत बड़ा दरिया हो, उस दरिया के एक किनारे से कोई पेड़ की डाली टूट करके पानी में गिरी, और वो पेड़ की डाली पानी की लहरों में तैरते 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 दरिया के सागर के बीचों बीच पहुंच गई, और दूर किसी किनारे से किसी और पेड़ की डाली टूट करके वो भी दरिया में गिरी हुई है, और वो भी तैरते 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 वो भी दरिया के बीच में गोते खा रही। अब कौन सी डाली किस किनारे से आई पता नहीं, लेकिन पानी की लहरों पर दोनों डालियां तैरते 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 एक पल ऐसा आया, एक क्षण ऐसा आया, एक योग ऐसा बना कि दोनों डालियां पानी के अंदर में मिल गई, और जैसे ही पानी के अंदर में मिली दोनों आपस में जुड़ी, और दोनों के जुड़ते ही पीछे से एक पानी की लहर आई और दोनों को जुदा कर दिया। अब मुझे बताओ कि वापिस वो कब मिलेंगे? इतना बड़ा सागर है और उसके अंदर योगानुयोग से आपस में मिलना हो गया, मिले और जुदा हुए, संयोग और वियोग हुआ, और वियोग होने के बाद में वो जो डाली थी वो पानी की लहरों में एक दिशा में चली गई, दूसरी डाली दूसरी दिशा में चली गई। अब इतने बड़े सागर में वापस उनका मिलन कब होगा? बस ये हमारे संयोग हैं, ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारा अपनापन है। क्षण भर के लिए मिले और जुदा हो गए, संयोग हुआ और वियोग हुआ, और इसी कारण से यदि हमने संयोग वियोग को अपना मान लिया तो निश्चित हमें दुखी होना पड़ेगा, और यदि मन के अंदर ठान लिया कि ये शरीर भी जाए तो परवाह नहीं, घर भी छूटे तो परवाह नहीं, रिश्ते भी छूटे तो परवाह नहीं, पैसा भी छूटे तो परवाह नहीं, मैं तो मेरा आत्मा हूं जो त्रिकाल है, इसका कभी नाश नहीं होगा, इस जन्म में भी रहा अगले जन्म में भी रहूंगा, और सिद्ध लोक तक मेरा स्वरूप अखंड रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती, ना मेरे में रोग है, ना शोक है, ना मेरे भीतर के अंदर में कोई दुख है, कष्ट है, जन्म और मरण से मैं सदा के लिए रहित हूं, ऐसा मेरा आत्मा है, ये एकत्व भावना। बस एक ही मंत्र आप गुनते जाओ, एक ही मंत्र, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं,
मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर को मैंने अपना माना है, ये शरीर तो जल जाएगा, ये शरीर तो राख हो जाएगा। इस शरीर को जो चलाने वाला है, वो जानने और देखने वाला है, वो ज्ञान में दर्शन में, वो मेरा स्वरूप है। हे प्रभु, मुझे उसको पाना है, मुझे खुद को पाना है। ये बाहर के सारे संबंधों से, सारे संसार के पदार्थों से मुझे अलग कर देना और मेरे को मूल द्रव्य से, मेरी आत्मा से मुझे जोड़ देना प्रभु। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये जो हमारा आत्मा की तरफ मुड़ने का जो हमारा ये अनुष्ठान होगा ना, यही हमें परमात्मा से मिला देगा, यही हमें सिमंदर स्वामी दादा के पास ले जाएगा, यही हमें केवल ज्ञानी भगवंतों से संयोग कराएगा, यही पुकार हमारी आत्मज्ञानी पुरुषों के पास हमें पहुंचाएगी। और हम नहीं भी पहुंच पाए तो हमारी पुकार के कारण आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं चल करके आएगा, वो स्वयं हमारा हाथ पकड़ेगा, वो स्वयं हमें मार्गदर्शन दे करके और हमारी आत्मा में रहे परमात्मा को प्रकट करेगा। एकत्व भावना, मैं कौन हूं? आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, भगवान के जैसा आत्मा हूं, अरिहंत के जैसा आत्मा हूं, वैसा ही मेरा गुण है, द्रव्य है। ये जितने पर्याय हैं ये तो सब नष्ट होने वाले हैं, मेरा मूल द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। ये पर्याय हैं, ये पर्याय चला जाएगा, मनुष्य का पर्याय चला जाएगा, ये शरीर ये बदल जाएगा, ये मेरे संसार के ये सारे बाह्य स्वरूप बदल जाएंगे, लेकिन आत्मा नहीं बदलेगा। आत्मा तो वही रहेगा, आत्मा तो वही रहेगा। ऐसे शुद्ध आत्मा की तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम एकत्व भावना में होंगे, नहीं तो क्या होगा? श्री राम के साथ में जैसा हुआ, लक्ष्मण मरा तो वो रोए, किसके लिए? कि लक्ष्मण को अपना मान रखा था। सीता के लिए रोए, किस लिए? सीता को अपना मान रखा था। लेकिन जब सीता स्वयं सामने आई उनके और उसको राम को याचना करी, लेकिन राम उसके साथ में विचलित नहीं बने। क्यों? कि उन्होंने मान लिया था कि अब मेरा आत्मा ही मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। इस कारण से राम मोक्ष को प्राप्त हो गए, वो सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए, परमात्मय अखंड स्वरूप के अंदर में सदा के लिए लीन हो गए। तो ऐसी एकत्व भावना हम अपने भीतर में भाते रहें, बार बार यह मंत्र रटते रहें। मंत्रे मंत्र्यो स्मरण कर तो काल काडू हवेया। कि ये जो मंत्र है ना, अब जितना समय हमारे पास बाकी बचा है, पता नहीं कितना बचा है, कितने दिन बचे हैं, कितने महीने बचे हैं, कितने साल बचे हैं, कुछ भी पता नहीं है। जो भी बचा है, जितना भी बचा है, अब उसके अंदर में क्या करना? जितना समय बचा है, जितना काल बचा है, उसमें केवल मंत्र का स्मरण करना है, सिर्फ मंत्र का स्मरण। कोई भी काम करो, उसके भीतर में अपने मंत्र का स्मरण करो। मंत्रे मंत्र्यो स्मरण कर तो काल काडू हवेया, ज्यां त्यां जोऊं पर भनि भूली, भूल भूलू पराया। ज्यां त्यां जोऊं, ये जो मेरा इधर उधर देखना लगा हुआ है, उसको देखूं, उसको देखूं, उसके लिए बोलूं, उसके लिए सुनाऊं, दूसरों को ही देखने की जो हमारी बार बार दृष्टि लगी हुई है, ज्यां त्यां जोऊं पर भनि भूलू, और दूसरों को देख करके उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये, केवल दोष ही दोष, दोष ही दोष, दुर्गुण ही दुर्गुण देखते रहे। एक बार पशुओं की कॉन्फ्रेंस हुई, सारे जंगल के पशु इकट्ठे किए गए। पहली बार उनकी मीटिंग हुई आपस में जंगल के अंदर में, सारे पशु इकट्ठे हुए, जैसे उनका स्वामी वचन रखा हो। सारे आ गए जी, तरह तरह के पशु आ गए, और उसके अंदर में अध्यक्ष बनाया गया ऊंट, क्योंकि सबसे ऊंचा था ऊंट, ऊंट को बनाया गया अध्यक्ष। वो पूरे महोत्सव का जो अध्यक्षता करेंगे वो ऊंट महाराज करेंगे। अब जब सब इकट्ठे हो गए तो माइक के ऊपर में बुलाया गया ऊंट महाराज को, और उनको कहा कि आप अध्यक्षीय भाषण दीजिए। ऊंट जी आए, माइक के आगे खड़े हुए, कहते भाइयों और बहनों, आज बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे जंगल के अंदर में ऐसा महोत्सव हुआ है कि हम सारे जंगल के प्राणी आज आपस के अंदर इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी हुई। लेकिन आप सबको मैं देख रहा हूं,
आपको देखते हुए मेरा बड़ा दुख भी हो रहा है। सब हैरान हो गए कि दुख काहे का हो रहा है। उसने कहा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं इस कुत्ते को देख रहा हूं, इस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, इस तोते को देख रहा हूं, इस तोते की चोंच टेढ़ी, मैं इस शेर को देख रहा हूं, इस शेर के नाखून टेढ़े, इस हाथी को देख रहा हूं, इस हाथी की सूंड टेढ़ी। अरे हर जानवर के अंदर में कोई ना कोई शरीर के अंदर कोई ना कोई टेढ़ापन है। किसी की सूंड टेढ़ी, किसी की पूंछ टेढ़ी, किसी की चोंच टेढ़ी, किसी का गला टेढ़ा, किसी का कुछ टेढ़ा, कोई भी जानवर सीधा तो है ही नहीं। अब ऊंट महाराज ने ये सारे जानवरों की एक एक कमी गिना दी कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। अब जब सबकी उन्होंने दूसरों की कमियां गिना दी तो फिर एक पशु खड़ा हुआ। उसने कहा कि महाराज आपने हमारी तरफ देखा, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, थोड़ा अपनी तरफ भी देख लो। बीजा ने तो एक वांकू आपना आधार छे, अरे दूसरों के तो शरीर में एक ही की टेढ़ापन है, आपके तो 18 के 18 अंग ही टेढ़े हैं, सीधा कौन सा है वो तो बताओ। ऊंट महाराज आपके शरीर के जितने अंग है सारे के सारे टेढ़े पड़े हैं, एक भी अंग सीधा नहीं, और दूसरों के अब इतने टेढ़े अंग गिना रहे हो। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं मंत्रे मंत्रो स्मरण कर तो काल काढूं हवेया ज्यां त्यां जोवूं। अब ज्यां त्यां नहीं देखना, पर भनी भूली, जो भी दूसरों में दोष देखे हो भूल जाओ उसको। भूल भूलूं पराया, किसने क्या कहा है उसको भूल जाओ, उन पराये भूलों को भूल जाओ। आत्मा माटे जीवन जीववू लक्ष्य राखी सदाए। और अब मुझे किसके लिए जीना है, सिर्फ आत्मा के लिए जीना है, सिर्फ अपने लिए जीना है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जीना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। आत्मा माटे जीवन जीववू लक्ष्य राखी सदाए, पामू साचो जीवन पलटो मोक्ष मार्गी थवाने। और यदि मोक्ष का मार्गी बनना है तो उसके लिए अपने इस जीवन को पलटना पड़ेगा, अपने व्यवहार को पलटना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को पलटना पड़ेगा, और तब जाकर के ये मंत्र आपके जीवन के अंदर में काम करेगा। ऐसा जीवन हमें जीना है, बनाना है, अभ्यास करेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। लोग आपको पागल कहें तो कहने दो, लेकिन आप किसी की परवाह मत करो। लोग आपकी निंदा करें तो करने दो, आप किसी को सुनो ही मत। अगर आपकी आत्मा और परमात्मा सच्चे हैं तो आप दुनिया में किसी के भी बोल को सुनो ही मत। जो कहेगा सो भरेगा, जो देखेगा उसकी दृष्टि। आप कैसे हैं, आपको केवल परमात्मा के सामने, उस परमात्मा के सामने आपको सर्टिफिकेट उसको दिखाना है। लोगों को दुनिया को सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, आपने दुनिया की कोई चिंता नहीं। आप अपना सोचो मुझे क्या करना है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो परमात्मा मार्ग पर चलने के लिए लगता है कि मेरे लिए ये मार्ग सही है, आप उस पर निर्भय होकर चलते रहो, निर्भय होकर चलते रहो। निश्चित आपको मार्ग मिलेगा, 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 और निश्चित आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। जन्म और मरण से ये आपकी आत्मा एक दिन निकल करके और उस परमात्मा स्वरूप को अवश्य प्राप्त करेगी। बस इतना ही है कि हम बाहर के भावों से निकल करके कहाँ जुड़ जाएं, आत्मा में जुड़ जाएं। कौन सा मंत्र रटोगे, सारा दिन क्या रटोगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ, जब मैं आत्मा हूँ तो फिर मेरा स्वभाव क्या है, ना राग करना, ना द्वेष करना। ना मुझे राग करना है, ना मुझे द्वेष करना है। और यदि राग और द्वेष हो गया तो उस समय सोचना कि अरे जीव तू तेरे स्वभाव को भूल गया, इसलिए तुझसे राग और द्वेष हो गया। ये तुझसे हो गया ना, अब इसको छोड़, वापिस अपने स्वरूप को याद कर, वापिस उसमें स्थित हो जा, पुनः तू अपने स्वरूप को ना भूले, इसकी जागृति रख। लेकिन बार बार अभ्यास से सब कुछ हो सकता है, हर चीज संभव है।
शुरू तो करें। महावीर कोई एक ही जन्म में महावीर नहीं बन गए, कई जन्म लगे उनको, कई जन्मों की साधना के बाद में वो महावीर बने। लेकिन कभी तो उन्होंने शुरुआत की थी, नैसार के भव में उन्होंने शुरुआत की थी और महावीर के भव में जाकर के उनकी साधना पूरी हुई। कितने भव लगे? 27 भव लग गए उनको। उसके बीच में तो ना जाने कितना अनंत संसार भी उन्होंने परिभ्रमण किया। मुख्य रूप से 27 जन्मों के बाद में उनको महावीर के रूप में मुक्ति मिली। तो हम कहीं से तो शुरुआत करें। आज इतना ही।